मुल्क में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी, पाक श्रीलंका सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान, अजहर अली कप्तान बरकरार, फवाद आलम की 10 साल बाद टीम में वापसी, उस्मान चिनवारी भी इन, इफ्तिखार अहमद आउट। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान किया, अजहर अली श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बरकरार, दीगर खिलाड़ियों में आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, फवाद आलम शामिल हैं। हारिस सुहेल, इमाम उल हक, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, शान मसूद, यासिर शाह, उस्मान चिनवारी भी टीम का हिस्सा है। 16 रुकनी टीम के अलावा मोहम्मद मूसा भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इफ्तिखार अहमद की जगह फवाद आलम को मुंतखब किया गया। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच 11 से 15 दिसंबर तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए पाक लंकन टीमें 19 से 23 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में इन एक्शन होंगी।